तो बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसीजर जो है ये डोमिनेंट जीन के लिए और रिसेसिव जीन के लिए दोनों अलग अलग प्रोसीजर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस प्रोसीजर में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसीजर फॉर डोमिनेंट जीन। बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स आर यू कैन से प्रोसीजर फॉर डोमिनेंट जीन। यानी ये जो प्रोसीजर हम पढ़ेंगे ये डोमिनेंट जीन के लिए पढ़ेंगे। तो हम प्रोसीजर को एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई वीट की वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी कोई भी हो सकती है, वो यूपी में बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, ठीक है, एडाप्टेबिलिटी अच्छी है, उसका यील्ड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बेटर है और बहुत ज्यादा समय से ये यूपी में चलता आ रहा है, इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है इसमें ससेप्टिबिलिटी हो जाती है अगेंस्ट रस्ट, यानी ये जो वीट का वैरायटी है इसमें रस्ट डिजीज लग गया, तो क्या होगा, ये इसका यील्ड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई वीट की वैरायटी HD2967 ही है, HD2967, ठीक है, वीट की वैरायटी है, अब इसमें क्या हो गया, रस्ट लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, रस्ट ससेप्टिबल, ससेप्टिबल। तो ये वैरायटी जब रस्ट के लिए ससेप्टिबल हो गया इसका मतलब इसमें यील्ड कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें रस्ट का अटैक हो जाएगा, रस्ट का अटैक होगा तो इसमें यील्ड तो कम होना ही होना है। तो हमारे पास अब दो ऑप्शन है इसके यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, या फिर यूपी में वीट के यील्ड को इंक्रीज करने के लिए दो ऑप्शन होगा। फर्स्ट, हम एक नया वैरायटी लाएं इंस्टेड ऑफ HD2967, ठीक है, HD2967 के जगह पे कोई रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ले आए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, हम इसी को रेसिस्टेंस बना दें। दो ऑप्शन हमारे पास है, एक हम न्यू वैरायटी ले आए, ठीक है, जो कि रेसिस्टेंस हो अगेंस्ट रस्ट, ठीक है। सेकंड, हम रेसिस्टेंस बनाए, क्रिएट करें, इसमें रेसिस्टेंस ही क्रिएट करें, ठीक है, यानी HD2967 को रेसिस्टेंस बना दें। तो अगर हम रस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी ढूंढते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो यूपी में उसकी एडाप्टेबिलिटी अच्छी ना हो, या फिर उतना हमको यील्ड ना मिल सके, ठीक है। तो इजी क्या होगा, हम ये ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, यूपी के लिए, ठीक है, इसका यील्ड अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो रेसिस्टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें रेसिस्टेंस जीन ट्रांसफर करेंगे, और आपको पता है रेसिस्टेंस जीन जो है वो मोस्ट ऑफ द केस वाइल्ड स्पीसीज में होता है, ठीक है, वाइल्ड स्पीसीज में, ना माने किसी भी ऐसे वैरायटी में हो जिसमें रस्ट जीन हो, रस्ट रेसिस्टेंट जीन हो, तो उसको क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए हो गया हमारा वैरायटी ए, ये क्या है, ससेप्टिबल है, ठीक है। तो दूसरा हो गया वैरायटी बी, इसको भी कोई नाम दे दीजिए, K1317, K1317, ठीक है, बी वीट की वैरायटी है, ये मान लीजिए रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस केस में डोनर पेरेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस जीन डोनेट करेगा और ये रिसीव करेगा, इसको क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट पेरेंट हो गया, ये डोनर पेरेंट हो गया, ठीक है। अब इस केस में बैक क्रॉस में हम डोनर का सिर्फ एक बार यूज करते हैं, सिंगल, ये क्यों करते हैं, अभी प्रोसीजर में मालूम चलेगा, ठीक है, और रेसिपिएंट को बार बार यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरेंट पेरेंट, बार बार यूज इसलिए करते हैं कि जब हम बैक क्रॉस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसका बार बार यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसका बार बार यूज क्यों करते हैं, रिकरेंट पेरेंट का, ठीक है, क्योंकि जब हम क्रॉस कराते हैं इसमें और इसमें, मान लीजिए वैरायटी ए और बी में जब क्रॉस कराएंगे, हमको तो सिर्फ चाहिए वैरायटी बी से सिर्फ रेसिस्टेंस जीन चाहिए, लेकिन जब क्रॉस कराते हैं तो 50% इसका और 50% इसका जीन कंट्रीब्यूट होता है, तब ये बनता है 100%। यानी अगर बी का 50% जीन दे रहा है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस जीन के साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स रह जाएंगे जो कि हमें चाहिए, क्योंकि इसका यील्ड कम होगा, क्यों, इसका 50% ही तो जीनोम इसमें आ रहा है, वैरायटी ए का 50% जीन ही इसमें आ रहा है, ठीक है, F1 में, तो हो सकता है कि इसका जो यील्ड परफॉर्मेंस है ये जो रिमेनिंग 50% जीन है उसमें हो, वो डिटरमाइन करता हो इसका यील्ड,
ठीक है, तो इसका यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इसके 50% जीन को रिस्टोर करेंगे, ए के 50% जीन को, इसलिए हम ए को बार बार यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरेंट पेरेंट। क्लियर, अब हम पूरा प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, अब इसको हम सिर्फ वैरायटी और वैरायटी बी मान के डिस्कस करेंगे, ठीक है, वैरायटी ए में हमको जीन चाहिए और किससे चाहिए, वैरायटी बी से, तो यहाँ पे बनाते हैं क्रॉस, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए क्या है रिसिपिएंट, बी क्या है डोनर, ठीक है। एक और चीज इसमें देख लीजिए, ये जो डोनर है इसमें जो रस्ट रेसिस्टेंस जीन है ये किससे कंट्रोल हो रहा है, डोमिनेंट जीन द्वारा, ठीक है, डोमिनेंट जीन का प्रोसीजर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो जीन गवर्न कर रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, डोमिनेंट जीन द्वारा, ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे डोनर का, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये क्या हो गया रेसिस्टेंस, इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा रिसेसिव यानी ससेप्टिबल। अब देखिए जब इसमें क्रॉस बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका और इसका क्रॉस एफ वन, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में वही सेम प्रोसीजर होगा, फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे, किस पेरेंट को हमको जीन ट्रांसफर करना है और किस पेरेंट से करना है, ये फर्स्ट ईयर में ही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्रॉस भी बन जाएगा, जो फीमेल पेरेंट होगा उसमें सीड बनेंगे, उस सीड से हम एफ1 जनरेशन ग्रो करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस वही जब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस सीड से हम F1 जनरेशन ग्रो करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस जनरेशन में F1 में या फिर कह सकते हैं हाइब्रिड में जो हमारा मेन वैरायटी है HD2967, इसके आधे जीन क्या है, कम है, इसमें 50% ही द्वारा है, आधे जीन कम है और इसमें कुछ जीन अधिक है इस पेरेंट्स वाले से, हमको सिर्फ चाहिए रेसिस्टेंस जीन, लेकिन इस ये जो क्रॉस बनेगा इस क्रॉस के द्वारा 50% इसके एक्स्ट्रा जीन आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हो सकता है कि हार्मफुल हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इससे यील्ड कम हो जाए और ऑलरेडी हमारे पास इंडियन वैरायटी है, तो इजी क्या होगा कि इसके बाकी के जीन रिस्टोर कर दिए जाए, ठीक है, यहाँ जीन तो ट्रांसफर हो गया रेसिस्टेंस जीन, अब इसके इफेक्ट को कम करना है, इसके इफेक्ट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए के साथ बैक क्रॉस करेंगे, बैक क्रॉस विथ पेरेंट ए, पेरेंट ए क्या है और आर आर, जब हम बैक क्रॉस करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, इन दोनों में बैक क्रॉस होगा तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे एक ही टाइप का बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन आपको पता ही होगा, एक ही टाइप के एलीन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप का गैमेट बनेगा, यहाँ पे दो टाइप के एलीन है तो यहाँ दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी ये पॉपुलेशन तैयार हो गया, ठीक है, जब हम इसका बैक क्रॉस करेंगे तो बैक क्रॉस में पॉपुलेशन क्या बना, ये जो जनरेशन है ये क्या है बीसी जनरेशन, बैक क्रॉस जनरेशन, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस जनरेशन। अब ये हो गया हम फर्स्ट बैक क्रॉस कराए थे, ये क्या हो गया पहला बैक क्रॉस है, फर्स्ट पहला बैक क्रॉस कराएंगे तो जनरेशन क्या होगा बीसी वन का, बैक क्रॉस वन जनरेशन, या फिर कह सकते हैं बैक क्रॉस वन का पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए इस पॉपुलेशन में हम सिलेक्शन करेंगे रेसिस्टेंस जीन का, सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें से हम हमारा कोई क्वालिटी कैरेक्टर या फिर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है ना, कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी नहीं है कि हम उसको देख के जान जाएंगे ये रेसिस्टेंस है ये नहीं है, जैसे मान लीजिए हाइट की बात करें तो हाइट हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये हाइट में अधिक है इसका सिलेक्शन कर लें, या हाइट में छोटा है इसका सिलेक्शन कर लें, या फिर सीड इसका बोल्ड है इसका सिलेक्शन कर लें, या फिर ईयर लेंथ इसका अच्छा इसका सिलेक्शन कर लें, ये तो रेसिस्टेंस जीन का सिलेक्शन है, तो इसको हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, इसमें रस्ट इनोकुलेट करेंगे यानी रस्ट डिजीज इसमें पैदा करेंगे, ठीक है, रस्ट के स्पोर को इसमें डालेंगे, ठीक है, रस्ट इनोकुलेट करेंगे, जब रस्ट डिजीज लगेगा तो सिर्फ वही प्लांट सर्वाइव करेगा जो रस्ट रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाइव कौन सा करेगा ये, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस जीन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये रस्ट के अगेंस्ट ससेप्टिबल है, जब ही हम इसमें रस्ट इनोकुलेट करेंगे तो ये डेड कर जाएगा, ठीक है, इसमें रस्ट लग जाएगा और ये बचेगा, ठीक है, सर्वाइव करेगा, तो ये जो बीसी वन का पॉपुलेशन है जिसमें सिलेक्शन हुआ है ये रस्ट रेसिस्टेंस, इसको फिर से हम क्या करेंगे बैक क्रॉस कराएंगे, इसमें फिर क्या होगा बैक क्रॉस, ये बैक क्रॉस कौन सा होगा सेकेंड, किसके साथ अगेन पेरेंट वन के साथ, इसका जनरेशन क्या होगा
इसमें और इसमें फिर से करेंगे तो सेम पॉपुलेशन आएगा। ये पॉपुलेशन क्या कहलाएगा? सेकेंड बाय क्रॉस में सेकेंड बीसी, बीसी इज टू, बैक क्रॉस टू का पॉपुलेशन। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसमें भी रस्ट इनोकुलेट करेंगे, इसमें भी जो ससेप्टिबल होगा वो खत्म हो जाएगा, ये ससेप्टिबल खत्म हो जाएगा, सर्वाइव करेगा ये, इसका फिर से हम क्या करेंगे बैक क्रॉस। तो फिर हम इसका क्या करेंगे बैक क्रॉस, थर्ड बैक क्रॉस करेंगे किसके साथ, पेरेंटिया के साथ। ये क्या होगा, यहां लिख देते हैं इसको, क्या बनेगा ये, सेम वही पॉपुलेशन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा थर्ड में, ये बी सी थर्ड बैक क्रॉस थ्री, ये जो पॉपुलेशन होगा इसमें फिर से हम क्या करेंगे सिलेक्शन कैसे करेंगे, डिजीज इनोकुलेट करके, रस्ट इनोकुलेट करके। तो यहाँ पे फिर से ससेप्टिबल क्या हो जाएगा डिस्कार्ड, बचेगा क्या, सर्वाइव कौन सा करेगा जो रेसिस्टेंस होगा। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे बैक क्रॉस, ये क्या हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ बैक क्रॉस फिर से किससे करेंगे पेरेंट ए के साथ, जीनोटाइप क्या है स्मॉलर स्मॉलर। अब इसमें क्या बनेगा, इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो सेम पॉपुलेशन, ये क्या हो गया फोर्थ में बैक क्रॉस फोर, ठीक है। सेम वर्क वही रिपीट करेंगे, रस्ट इनोकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा ये खत्म, बचेगा क्या जो सर्वाइवल होगा अगेंस्ट रस्ट, ठीक है। इसमें फिर से क्या करेंगे बैक क्रॉस, ये क्या हो जाएगा बीसी फाइव, बैक क्रॉस फाइव कराएंगे किसके साथ, सेम पेरेंट रिकरेंट पेरेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा फिर, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो सेम पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन होगा ये कौन सा पॉपुलेशन है बीसी फाइव, क्यों, क्योंकि हमने बैक क्रॉस फाइव कराया है, ठीक है, बीसी फाइव, बीसी फाइव का पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखिए पांच या छह जनरेशन तक बैक क्रॉस कराते हैं, ठीक है, कितना कराते हैं अभी इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीसी मोर को रिपीट होगा, जो सर्वाइवल होगा वो बचेगा, जो ससेप्टिबल होगा वो खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ फिर से क्या करेंगे बैक क्रॉस सिक्स, किसके साथ सेम पेरेंट, बनेगा क्या, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो सेम पॉपुलेशन, यहाँ भी वही काम होगा, ये क्या हो गया बी सी सिक्स, क्योंकि हमने सिक्स टाइम बैक क्रॉस कराया, ये खत्म हो जाएगा, ये सर्वाइवल होगा। अब हम इसके बाद कोई भी बैक क्रॉस नहीं कराएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो बचा जीनोटाइप इसको हम प्लांट प्रोजेनी रो में ले जाएंगे, ठीक है, या फिर जिसको कहते हैं इंडिविजुअल प्रोजेनी रो। अब यहां तक हमारा बैक क्रॉस का प्रोसीजर खत्म हो गया, ठीक है, हमको जो जीन ट्रांसफर करना था, जितने जीन रिस्टोर करने थे वो हमने कर लिया। अब ब्रीडिंग प्रोसीजर फॉलो होगा, इसको हम इंडिविजुअल प्रोजेनी रो में ले जाएंगे, फिर इसका रेप्लिकेटरी ट्रायल लगाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए ले जाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि बैक क्रॉस में हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल नहीं लगाते हैं, एमआरटी नहीं लगाते हैं, जिसको कोऑर्डिनेटेड ट्रायल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इसको किसी अन्य जगह पे टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस हमको पंजाब में नहीं करना है, इसका परफॉर्मेंस हमको राजस्थान में नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम यूपी के लिए ही तो ऑलरेडी जो वैरायटी है उसी में हम सिर्फ एक जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, हमको सिर्फ यूपी में इसका सर्वाइवल टेस्ट करना है, रेसिस्टेंस टेस्ट करना है। हमने यूपी के वैरायटी को लिया था, ठीक है, जिस जो ससेप्टिबल हो गया था, और यूपी में ही हमको उस वैरायटी को फिर से रिस्टोर करना है, ससेप्टिबिलिटी हटा देनी है, रेसिस्टेंस जीन ट्रांसफर कर देना है, तो हमको इसमें मल्टी लोकेशन का कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। मल्टी लोकेशनल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको ये इससे डिफरेंट लोकेशन पे नहीं ले जाना है, सिर्फ एक पार्टिकुलर रीजन के लिए था, उसी रीजन में हमको एक जीन ट्रांसफर करना है, रेसिस्टेंसिटी इसकी इंप्रूव करनी है, ठीक है, बस यही काम है, बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर सेम होगा, तो हमको मल्टी लोकेशनल ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जब इसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए ले जाएंगे, अब तो देखिए यहाँ पे भी बैक क्रॉस हो रहा था, ठीक है, बार बार एक ही प्रोजनी में बार बार बैक क्रॉस हो रहा था, तो सिर्फ हमारा जनरेशन चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, जैसे F1 जनरेशन ही आ रहा है,
जनरेशन चेंज कब होगा, जब इसका सेल्फिंग होगा, यानी इसी को हम एक बार और लगाएंगे और ये अपने आप सेल्फ होके नया जनरेशन तैयार करेगा, तो उसको हम नेक्स्ट जनरेशन मानते हैं। तो ये अभी F1 जनरेशन चल रहा है, F1 जनरेशन ही है। जब इसको हम लेके जाएंगे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रो में, वहां से जनरेशन इसका चेंज होगा क्योंकि इसका सेल्फिंग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, BC6 और ये हो जाएगा F2, क्योंकि बैक क्रॉस 6 का ये पॉपुलेशन है और ये सेल्फिंग होगा तो क्या हो जाएगा F2। F2 में क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल रो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे विद इन रो सिलेक्शन करना है। ठीक है, जब यहां से इस पूरे पॉपुलेशन को हम रो में लगा दिए, ठीक है, तो इस रो में होमोजेनिटी चेक करते हैं, यानी आपस में इसका यील्ड और इसका यील्ड, इसका यील्ड इक्वल हो, और रेसिस्टेंस भी चेक करेंगे, रेसिस्टेंसिटी चेक करेंगे कि रेसिस्टेंस है सभी। ठीक है, तो ये इस वर्क को दो बार रिपीट करते हैं, BC6 F3, सेम वर्क को रिपीट करेंगे। ठीक है, जो काम हम इंडिविजुअल रो में करते हैं बाकी प्रोसीजर में वही काम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से जब सेल्फिंग होगा तो F3 हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल, ये हो गया आपका इंडिविजुअल रो, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रो जिसको बोलते हैं। सेम एक बार और इंडिविजुअल रो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम होमोजेनिटी चेक करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, अगर कोई डिसिमिलर रो होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक किया है। ठीक है, अभी बाकी का जो ब्रीडिंग प्रोसीजर पढ़ा है उसमें जो इंडिविजुअल रो में जो काम करते हैं वही यहाँ पे भी काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल। रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में चेक के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, चेक क्या होगा, चेक हमारा जो होगा वैरायटी ए। ठीक है, क्योंकि हमको इसी के यील्ड के साथ कंपेयर करना है, तो वैरायटी ए जो हमारा होगा वो चेक होगा, BC6 F4। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो चेक के साथ परफॉर्मेंस इसका बेटर होगा उस रेप्लिकेशन को हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सीड मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा हो जाएगा F5 BC6। ठीक है, टोटल समय कितना लग रहा है देखिए, फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, पेरेंट का सिलेक्शन। ठीक है, सेकंड ईयर में हम बैक क्रॉस कराते हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, टोटल कितने हो गए, 12 ईयर। यानी बैक क्रॉस ब्रीडिंग में टोटल समय कितना लगा, 12 ईयर का। अगर हम ये जो रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल है दो से तीन साल के लिए कभी कभी लगा लेते हैं, अगर ये दो जितना यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, दो से तीन साल अगर इंक्रीज करते हैं तो ये यानी 14 to 16 ईयर का टाइम मिलेगा। वैसे तो जो रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल है ये एक ही साल में यहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है यहाँ पे, एडेप्टेबिलिटी इसकी चेक नहीं करनी है, सिर्फ यील्ड से कंपेयर करना है। ठीक है, ये हो गया बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स और इससे रिलेटेड साइंस जो जीन ट्रांसफर करने में यूज हुआ है। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ मैथ्स भी है। ठीक है, कुछ मैथमेटिक्स है, हम क्यों 5 या 6 टाइम ही बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का मैथ थोड़ा समझते हैं, कितने टाइम हमारा जीन रिस्टोर हो जा रहा है, क्यों ये 6 टाइम ही बैक क्रॉस कराते हैं। ठीक है, या फिर हम वैरायटीयों को क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको रिकरेंट क्यों बोल रहा है, इसका बार बार यूज क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे का थोड़ा सा मैथ्स जान लेते हैं।